अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जिन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृत पान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है, मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। आंखें बंद, हे जीव, अनादि काल से संसार में पड़ा है, अनादि काल से पड़ा है तू संसार में, तेरी आदि कहाँ हुई तू नहीं जानता, तेरा अंत यानी तेरा ये भव भ्रमण का अंत कैसे होगा, ये जीव कब सिद्ध होगा, मध्य में कितना समय पड़ा है, कितने पड़ाव पड़े हैं, कितने भव परिवर्तित करने हैं, तेरे सत्ता में कितने कर्म पड़े हैं, कर्म किस रूप में निकल कर आएंगे तू कुछ नहीं जानता, पर इतना जान रहा है कि इस पिंड के भीतर तू एक जीवात्मा है, तूने अनेक बार श्रवण किया है, इस 3.5 हाथ की काया में तू एक जीवात्मा है। अब यहां प्रश्न उठता है, निज अस्तित्व को जानने के पश्चात भी व्यक्तित्व को महत्व क्यों दिया जाता है, अधिकांश समय स्वयं को देह मानकर देह का चिंतन कर भूत और भविष्य में जाकर पुद्गलों का चिंतन कर कर्म बंधन में क्यों बीत रहा है, तू जानता है मुक्त होने के लिए निज स्वरूप में उतरना होगा, सुखी होने के लिए निज स्वरूप में उतरना होगा, सत्ता में पड़े कर्म क्षय करने के लिए निज कारमन काया को हल्का व खाली करने के लिए तुझे तेरे अस्तित्व पर श्रद्धा करनी होगी, अपने अस्तित्व पर श्रद्धा कर, अनादि काल से अनंत देह प्राप्त कर भी तू एक जीवात्मा ही है, तू कभी देव नहीं, तू कभी मनुष्य नहीं, तू कभी तिर्यंच नहीं, तू कभी नारकी नहीं, वो मात्र उस भव में मिली काया थी, तुम एक जीवात्मा हो, तुम माता नहीं, तुम पिता नहीं, तुम किसी के सगे नहीं, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा अपना अस्तित्व है, अनादि से यात्रा किए जा रहे हो, तुम एक जीवात्मा हो, तुम एक जीवात्मा हो, 3 लोक में 3 काल में
खुद को जीव ही जानू। सत्य में उतर जाओ, तुम निराकार हो। तुम्हारा किसी से कोई वास्ता नहीं। हे जीव, तुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। कर्म आश्रव से मुक्त होना है, मुक्त होना है। भूत और भविष्य के चिंतन से मुक्त होना है, तुझे मुक्त होना है। मिथ्यात्व से मुक्त होना है, तुझे आर्त और रुद्र ध्यान से मुक्त होना है। ये मेरा है, ये पराया है, इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे पीड़ा दी, आदि आदि इस समस्त मिथ्या संस्कारों से तुम्हें मुक्त होना है। मेरी इस व्यक्ति पर, इस वस्तु पर या इस स्थान पर मालकियत है, इस मालकियत से तुम्हें मुक्त होना है। मिथ्यात्व भरे प्रत्येक संस्कार से, प्रत्येक विचार से, प्रत्येक धारणा से तुम्हें मुक्त होना है। हे आत्मा, खुद को जानो, अस्तित्व को जानो। अस्तित्व को जाने बिना धर्म की क्रियाएं संभव है, पर धर्म संभव नहीं। तुम जीवात्मा हो, तीन लोक में, तीन काल में यही तुम्हारा परिचय रहा है। जड़ में जीव को देखें, निराकार के विस्तार को देखें, ये समय निज अस्तित्व में बने रहने का है। ना अब आर्त ध्यान करना, ना रुद्र करना, ना धर्म ध्यान। ये समय शुक्ल ध्यान का है। जब आप पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में ठहर जाएंगे, वो एक समय, वो दो समय, वो आधा मिनट, एक मिनट, आदि आदि बढ़ते बढ़ते प्रत्येक की अपनी अवस्था रहेगी, वो समय तुम्हारा शुक्ल ध्यान का होगा। जड़ में जीव को, जीव के विस्तार को देखकर निर्विचार, निर्विकल्प, समाधिस्थ स्थिति को प्राप्त करें।
जीव अपने आप में बना रहे। भीतर अनंत सुख है, उसका अनुभव तभी होगा जब आप अस्तित्व में बने रहेंगे। आप जीव सिद्ध समान है, सिद्ध के जो गुण है वही गुण आप जीव के हैं। उद्गल के पिंड में रहकर इस पिंड से पार जाकर अपने अस्तित्व में बने रहिए।
होश अस्तित्व का होश रहे। ना भूत ना भविष्य, जड़ चिंतन का भेद और उस भेद में अस्तित्व में ठहरा। शून्य, जहाँ ना मन इस आत्मार्थ की साधना के मध्य आए, ना बुद्धि आए, ना इंद्रियों का महत्व रहे। अब इस पिंड में एक जीव रह गया महत्व का, और जीव जीव में ठहर गया।
भीतर का सुख आपके अनुभव में आए, निश्चित आएगा। और कह रही पूर्ण होश रहे, ये समय सत्य का है, सम्यक्त का है, शुक्ल ध्यान का है, वेद विज्ञान का है, कर्म निर्जरा का है।
देह को जड़ मानी है, इस जड़ पर निकलते कर्मों को दृष्टा भाव से देखना। कर्म निकले और तुम आर्त और रुद्र में जाओ ऐसा नहीं, कर्म निकले इसीलिए आप ध्यान में बैठे हैं। यहां आप अस्तित्व में बने रहेंगे और कर्म निकलते जाएं। यही जड़ चेतन का भेद ध्यान है। और गहरी शून्य में ये समय शुक्ल ध्यान का है।
आप जीव का किसी से वास्ता नहीं, इसलिए किसी पुद्गल का चिंतन इस आत्मार्थ की साधना के मध्य न आए। भूत को बसराकर भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जड़ चेतन के भेद से शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया है। आप जीवात्मा हैं, पूरे ब्रह्मांड में पुनः अपना अस्तित्व देखें। एक निराकार तत्व है आप, अष्ट गुणों से युक्त एक निराकार तत्व जिसमें सिद्ध होने का सामर्थ्य है, जो वर्तमान में इस काया में 3.5 हाथ की इस काया में है, पर भविष्य में जो सिद्ध शिला में सिद्ध होगा, आप वो जीवात्मा है। हे आत्मन, सिद्ध होने के लिए तुम्हें मोह कर्म से मुक्त होना है।
तुम्हें मिथ्यात्व से मुक्त होना है, तुम्हें जड़ और चेतन के भेद को जीना है। तभी ये जीव काया में पड़ा, ये जीव यानी आप जीव, तभी सिद्ध शिला में अनंत सिद्धों में अपनी अवगाहना को अटल करेंगे। अवगाहना तभी अटल होगी जब सम्यक्त्व क्षायिक होगा, सम्यक्त्व तब क्षायिक होगा जब जड़ और चेतन का भेद परिपूर्ण होगा। हे आत्मन, देखें कितना समय तुम इस भेद को जी पा रहे हो। कितना समय तुम इस भेद में उतर पाते हो, यानी शुक्ल ध्यान में उतर पाते हो। तुम जीवात्मा हो, ध्यान यानी अस्तित्व का ध्यान, ध्यान यानी होश, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का होश रहे, मैं जीवात्मा हूं। अब यहां प्रश्न आता है, ध्यान में क्या करना है और क्या नहीं करना। हे आत्मन, ध्यान तभी होगा जब जड़ और चेतन का भेद होगा। जब भी कभी ध्यान प्रारंभ करें, यानी ध्यान की क्रिया में बैठे, अरहंतों सिद्धों का स्मरण करें या न करें, वो इतना मुख्य नहीं है। उससे अधिक मुख्य है जड़ और चेतन का भेद कर ध्यान की क्रिया में प्रवेश करें। साढ़े तीन हाथ की इस काया में अपने विस्तार को देखें, पूरे ब्रह्मांड में एक निराकार तत्व को स्वयं जाने। ध्यान में क्या नहीं करना, भूत और भविष्य में नहीं जाना, किसी पुद्गल का चिंतन नहीं करना, ध्यान के अंतर्गत जब काया में पीड़ा हो तो क्या करें, तब दृष्टा भाव से निकलते कर्मों को एक केवली की भांति देख। ध्यान में विचार आए तो क्या करें, वहां भी दृष्टा रहकर उन विचारों को देखें। तुम्हारा दृष्टा हो जाना यानी तुम्हारा तुम्हारे स्वरूप में आ जाना। जब जीव अपने स्वरूप में आ जाता है, वहां ये संस्कार, ये विचार, ये धारणाएं अपना महत्व स्वयं खो देती है। आप जीवात्मा है। बंद आंखों से इस प्रकार ध्यान की क्रिया करें व खुली आंखों से प्रयास करें। प्रत्येक देह जो तुम्हें दिखे, वहां उस देह में मात्र जीव तत्व को देखें। सारे भेद मिटा कर देखें।
दृष्टि परिवर्तित कर लें। आप जीवात्मा हैं, आप जीवात्मा हैं, आप जीवात्मा हैं, पूरी तरह अस्तित्व है। जो अस्तित्व में ठहरे वो भरत में हो या महाविदेह में हो या एरावत में हो, महाव्रती हो या अनुव्रती हो या अव्रती हो, वो पूज्य है। स्वयं में ठहर कर स्वयं के लिए स्वयं पूज्य बने, स्वयं श्रद्धे बने। हे आत्मन, इस प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़े, फिर निर्णय आपका, श्वास आपकी, शेष जैसे आप जीव को सुख। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मैं रुचिरा सुराना, बट आज पहली बार जाना कि आंखें बंद होने के बाद में भी अपने आप के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। मैंने आज तक बहुत बार आंखें बंद की, बहुत बार कोशिश की, बट आज से पहले मैं कभी नहीं देख पाई। जो आनंद हमने लिया, उस आनंद की अनुभूति मैं साथ लेकर जा रही हूँ। बहन निशा जी जब यहाँ बैठी थी और वो कह रही थी कि माफी मांगो, क्षमा मांगो, मैं देखना अंदर से भाव हो रहे थे, जो बहन इस तरीके से बोल रही है, ये कैसे बोल रही है, ये कहाँ कहाँ पहुंच गई, पापस्थान तक भी पहुंची, गुणस्थान तक पहुंची, मेरी छोटी छोटी गलती भी दिखा दी और बड़े चीजों का भी अनुभव कर लिया। मैंने कोशिश की, मैंने उसको देखा, वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, उसकी आत्मा हमारे आत्मा तक जुड़ रही थी। वो उसके चेहरे के भाव जब मैंने देखे, जो मैं सोच रही थी क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर था कि ये कैसे कर रही थी, पर मैंने देखा कि हम सब का दर्द उस वक्त ये अकेली लेकर चल रही थी, और हम सब का दर्द, हम सब की क्षमा अगर भगवान तक पहुंचाने का जरिया अगर आज कोई था तो हमारे गुरु भगवान और बहन निशा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक जितनी भी गलतियां हुई है इस आत्मा से, सभी यहाँ विराजित आत्मा और जो यहाँ नहीं है, उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना। प्यारी गुरुवाणी है। व्यवहार में माता पिता, गुरु, परंपरा, सब कुछ व्यवहार धर्म में आता है। माता पिता की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, तप करो, जप करो, ये सारा व्यवहार धर्म है। और व्यवहार धर्म में की बातें सारी दुनिया वही करती है। ये साधना क्या है, स्वयं में स्थित होकर के उनके स्वयं को जाकर के देखो, उच्च कोटि की साधना है, और कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। ये साधना है एकत्व की साधना, जिसमें भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। ये भेद विज्ञान की चर्चा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, परंतु जो प्रभु की वाणी के द्वारा आपको भेद ज्ञान कराया जाता है, वो आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। तुम चाहे कोई किसी गुरु से चर्चा कर लो, कोई शास्त्र, 32 शास्त्र पढ़े हुए हो, उनसे भी चर्चा कर लो, वो इस बात, क्योंकि वो इस साधना से गुजरे नहीं, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत हो जाएंगे। ये तुम्हारे मन में किसी में शंका है कि पता नहीं वाणी है कि नहीं है, कि देव की वाणी आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। ये समझने की बात है, ये श्रद्धा की बात है। भगवान बार बार कहते हैं, आत्मा में श्रद्धा, आत्मा में रुचि, आत्मा की प्यास, आत्मा में भीतर भीतर उतरना। अब क्या उतरना, क्या बताओगे, भीतर उतरो, क्या समझेंगे भीतर उतरो, किसी गुरु को बताओगे क्या समझेंगे, वो गुरु ने कुछ उतरा ही कभी, उतरा नहीं, तो तुम क्या बता के उतराओगे उसको। समझो इस बात को, गहराई से समझो, क्योंकि सारा संसार मिथ्यात्व का मतलब है, इस शरीर को अपना मानना ये मिथ्यात्व है।
नाम पद लिंग संबंध इंद्रियों के विषय मन वचन का या बुद्धि सारा मिथ्यात्व है। सब कुछ छोड़ करके जीव और अजीव का भेद करके अपने में स्थित होते हो तब साधना शुरू होती है। फिर भी अभी वाणी संस्कारवश मन बार बार उधर लेके जाता है, जन्मों जन्म के संस्कार है तुम्हारे और मेरे, वो लेके आते हैं। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत विवेक की जरूरत है, और विवेक प्रतिपल प्रतिक्षण विवेक जागृत रहेगा तो आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जो जो आप समझे हैं उसको अच्छी तरह समझो, और ये साधना जो आपको मिली है भेद ज्ञान, तीन चार बातें बहुत जरूरी है समझ लेना, भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद जितना बढ़ता चला जाएगा, जितना सूक्ष्म रेखा आ जाएगी उतना आप आगे बढ़ जाओगे। और देह एक उपयोगी साधन है मोह कर्म को जीतने का, सारी परीक्षा इस पर आएगा। और अपने स्वभाव यानी दृष्टा भाव में रहना, मूर्छा जहां जहां आए उसको तोड़ना, ये आपकी विवेक की बात है, आपके समझ की बात है, आपके निर्णय लेने की बात है। अभी भी झलक मिली है आपको, गहरे जाना है, भेद ज्ञान को बढ़ाना है, अपने में जितना स्थिर होगे, जितना स्थिर होगे, लंबा समय लगेगा। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान गर्भ में थे, 4th अवधि मन पर जब ज्ञान दीक्षा लेती हो गया फिर भी कितना समय लगा। तो घबराओ मत, आप एक लाइन पे आ गए, आप प्रभु की दृष्टि में आ गए, आप परिपक्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी। भेद ज्ञान जितना आपका बढ़ेगा, और जो मूर्छा शरीर के प्रति है, शरीर का मतलब इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार धारणा माता पिता जो कुछ भी है, ठीक है वो घर में रहेंगे, उसका उपयोग करना है, पर उसको अंतर हृदय से अपना मत मानो, एकत्व में रहो, आत्मा से आत्मा का दर्शन करो, आत्मा को अधिक महत्व दो। जब आखिरी शुक्ल ध्यान में तुम आ गए, स्वयं स्थित हो गए, और तुम्हारे अनंत कर्म झड़ गए, झड़ रहे हैं, आप बताया सुबह जिसकी अनंत भाव हैं, ये स्वयं स्थित हो गए, उनके असंख्यात रह जाएंगे, संख्यात के संख्या, असंख्यात के संख्यात, फिर हजारों वर्ष, हजारों वर्ष में एक निकट भवि हो जाएगा, निकट भवि से मोक्ष जा सकते। कैसे कर्मों का बंधन होता है और कैसे कर्मों की निजरा होती है, निजरा भी फटाफट होती है यदि आप अपने स्वभाव में स्थित हो गए, और कोई कारण नहीं। यदि आप स्वभाव को छोड़ दिया और मूर्छा में चले गए तो कर्मों का बंधन, बहुत सूक्ष्म मार्ग है वितराग मार्ग, ये पंचम काल में लुप्त हो गया मार्ग, क्योंकि समझ में नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई मन पर ज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। हम भी ऐसा लिखते पढ़ते थे, हम अपनी बात करते हैं आपके सामने, हमने शास्त्र पढ़े लिखे, PhD डीलिट किताबें लिखी, सब कुछ कर लिया और उपदेश भी दे दिया, और लोग हमें प्रशंसा करने लगे, पर हुआ कुछ नहीं, थोथा चना बाजे गना, ये हाल हमारी थी, आत्मा का अनुभव नहीं आया था। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहूनंग, धम्म मंगल मुकिठम आहिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत रण शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर
अमर बन होगा उसे का सराई मंगल होगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है।